किचकिच और प्रेमी को अपना जीवन साथी बनाने की चाह में मीरा जहरीली नागिन बन गई। अपने बेगाने किसी ने सोचा तक नहीं था कि मीरा इस कदर अपने पति को ही डस लेगी। शक की बुनियाद पर बड़का काना जीआरपी ने मीरा के आशिक दीपक सिंह उर्फ गणेश को उठाया। थाने में हुई सख्ती से पूछताछ में वह टूट गया और राज खोला। रविंद्र की हत्या उसकी पत्नी के इशारे पर की गई। इसके एवज में मीरा ने बतौर सुपारी 3 लाख रुपए दिए थे। वहीं वादा की थी पति की हत्या के बाद रेलवे में उनकी जगह नौकरी हासिल कर हम दोनों ऐश करेंगे। मीरा का गणेश से बीते कई वर्षों से नाजायज रिश्ता था। इस नाजायज रिश्ते को लेकर ही मीरा और रविंद्र में रोज रोज किचकिच और झगड़ा भी होता था। यह राज खुलते ही जीआरपी ने मीरा को गिरफ्तार कर लिया। मीरा ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और बोली, पैसे के कारण अक्सर पति रविंद्र से झगड़ा होता था। गणेश का उसके घर में आना जाना था। गणेश से प्यार हो गया और रच डाली पति की हत्या की साजिश। हत्या के सूत्रधार मीरा का पति बड़का काना रेलवे स्टेशन में कार्यरत था। रविंद्र की हत्या बीते 3 जून को कर दी गई थी। शराब पिलाने के बहाने गणेश का दोस्त रोशन उसे बुलाया। खाने पीने के बाद तीनों एक बाइक से निकले। रास्ते में क्लच वायर से ही गला घोंट मारने का प्रयास किया। कामयाब नहीं हुए तो पत्थर से कूच कर मार डाला। कोहराम लाइव के लिए भावना ठाकुर और रूपम की रिपोर्ट।